ये है एक निंटेंडो स्विच ओएलईडी और ये भी है एक निंटेंडो स्विच ओएलईडी। इस वाले निंटेंडो स्विच में आप सिर्फ ई शॉप से गेम्स परचेज करके या फिजिकल कार्ट्रिजेस बाय करने के बाद ही गेमिंग कर सकते हो, लेकिन इस वाले निंटेंडो स्विच में आप गेमिंग कर सकते हो फॉर फ्री। वैसे तो टेक्निकली फ्री नहीं है क्योंकि आपको पहले एक निंटेंडो स्विच खरीदना पड़ेगा, फिर जेल ब्रेक करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे एंड फिर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जिसने भी ये जेल ब्रेक किया हो उसने कोई ओरिजिनल पार्ट्स निकाल के डुप्लीकेट ना लगा दिए हो। थोड़ी सी क्विक इन्फो दे देता हूँ मैं आपको निंटेंडो स्विच के जेल ब्रेक प्रोसेस के बारे में। सो निंटेंडो स्विच V1 अनपैच मॉडल एक अकेला ऐसा निंटेंडो स्विच था जिसमें आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस के थ्रू जेल ब्रेक कर सकते थे, लेकिन V1 के बाद ऑलमोस्ट हर एक निंटेंडो स्विच सिर्फ एक चिप मॉडिफिकेशन के थ्रू ही जेल ब्रेक हो सकता है। सो इस निंटेंडो स्विच में भी एक चिप इंस्टॉल की गई है जिसकी वजह से इसमें आप गेम्स डायरेक्टली डाउनलोड करके खेल पा रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास कहां से आया, या ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने जेल ब्रेक कहां से करवाया है। सो ये ना ही मेरा पर्सनल निंटेंडो स्विच है एंड ना ही मैंने खुद इसे जेल ब्रेक करवाया है। ये मेरे पास आया है जस्ट फॉर अ रिव्यू एंड ये पॉसिबल हो पाया है चैनल के एक लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर की वजह से। सो थैंक्स अ लॉट टू द वन हु शैल नॉट बी नेम्ड। तो मेरा एक्सपीरियंस इस निंटेंडो स्विच जेल ब्रेक मॉडल के साथ कैसा रहा है, अब उस बारे में बात करते हैं। तो पहले तो आते हैं गेम्स पे एंड मुझे तो गेम्स डाउनलोड करने का प्रोसेस पर्सनली थोड़ा इरिटेटिंग लगा क्योंकि हर वेबसाइट जिसमें निंटेंडो स्विच की गेम्स अवेलेबल है फॉर फ्री रन करते हैं 72 करोड़ एड्स। मतलब हर एक क्लिक पे ऐड मिली है मुझे, कभी कभी तो उस वेबसाइट पे नॉर्मली स्क्रोल करने पे भी एड्स दिखाई है मुझे। बट आई थिंक फ्री गेम्स के लिए मेजॉरिटी इंडियन पायरेट्स इतना तो सही लेंगे। गेम्स को ट्रांसफर करना है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन काफी स्लो ट्रांसफर होता है डेटा, सो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये जेलब्रेक निंटेंडो स्विच कॉन्सोल लगा तो मुझे बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्योंकि गेम्स जैसे कि जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, टीयर्स ऑफ द किंगडम या पोकेमॉन वॉयलेट विद ऑल DLC, जिनका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 4000 एंड जाता है टू 8400, इसमें आप सिंपली डाउनलोड करने के बाद फ्री में खेल सकते हो। देखो, बहुत सारे इंडियन गेमर्स को पैसे स्पेंड करके गेमिंग करना बहुत बुरा लगता है एंड ज्यादातर इंडियन गेमर्स फ्री जुगाड़ ही ढूंढते हैं। अब स्कूल एंड कॉलेज में जो है उनके पास तो चलो नहीं है इनकम कि वो 4000 की गेम जाके बाय करें, लेकिन अडल्ट्स विद इनकम एंड इवन गुड इनकम डू पायरेसी इन इंडिया, विच इज ऑनेस्टली क्वाइट सैड। सो मोस्टली इंडियन गेमर्स पायरेटेड गेम्स ही खेलते हैं जिसकी वजह से गेमिंग कंपनीज इंडियन गेमर्स को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं है एंड ना ही हम इंडियन गेमर्स को किसी गेम स्टूडियो से कोई भाव मिलता है। हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी लगे बट ये 100% सच है। सो एक जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच इंडियन गेमर्स को डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें आपको पोर्टेबिलिटी, अमेजिंग बैटरी लाइफ एंड सम ऑफ द बेस्ट गेम्स एवर मेड खेलने को मिलती हैं। अब इस वीडियो में ना ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसकी गेम्स कहाँ से डाउनलोड करनी है एंड ना ही ये कि आप अपने निंटेंडो स्विच को कहाँ से जेल ब्रेक करवा सकते हो, सिंपली बिकॉज मुझे निंटेंडो कंपनी से पंगे लेके कोई अननेसेसरी स्ट्राइक या लॉसूट नहीं चाहिए। लेकिन आपको मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ कि नॉर्मल स्विच से क्या कुछ डिफरेंट लगा मुझे इस जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच में। तो परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम है, कोई FPS इंक्रीज या डिक्रीज मुझे फील नहीं हुआ है। बैटरी लाइफ भी मुझे तो सेम ही लगी है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा एंड चार्जिंग टाइम भी सेम ही है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मुझे मना किया गया था, सो ऑनलाइन कोई गेम मैंने नहीं खेली है। सो मेरे पर्सनल फेवरेट्स जैसे स्प्लेटून 3 एंड मारियो कार्ट 8 इस स्विच में ऑनलाइन नहीं खेल पाया हूँ मैं। ये स्विच आपके PC से कनेक्ट हो जाता है एंड आपको काफी फ्रीडम मिलती है रिगार्डिंग डाउनलोडिंग डेटा टू एंड फ्रॉम दिस निंटेंडो स्विच। ओवरऑल मेरे ऑनेस्ट थॉट सिंपल है जेलब्रेक निंटेंडो स्विच ओएलईडी के बारे में। इसमें आप इजीली कोई भी निंटेंडो स्विच की गेम ऑफलाइन खेल सकते हो विद ऑल द DLCs अवेलेबल फॉर दैट गेम एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक इंडियन गेमर को अपीलिंग तो डेफिनेटली लगेगा ये। बस सैक्रिफाइस ये है कि इसमें ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग करने का भी कोई तरीका हो जो मुझे ना पता हो क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में देखो इतनी नॉलेज पोजेस करता नहीं हूँ। मेरे लिए इट वॉज एन ऑफलाइन गेमिंग मशीन एंड उस रिगार्ड में ये है तो बहुत ही ज़्यादा सही। आपके क्या थॉट्स है इस जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच एंड पायरेसी के बारे में इन जनरल, बताओ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो वो भी कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।